दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं वर्जीनिया वुल्फ की एक बहुत ही फेमस नोवेल मिसेस डैलोवे की, जिसे 1925 में पब्लिश करवाया गया। ये कहानी एक मॉडर्निस्ट फिक्शन है जिसकी सेटिंग लंदन में रखी गई है। मिसेस डैलोवे आपको हमारे यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस के सिलेबस में मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग इस नोवेल की कहानी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। तो इस कहानी में से डैलोवे की शुरुआत होती है साल 1923 लंदन में। मिड जून चल रहा है। क्लैरिसा डैलोवे एक अपर क्लास हाउसवाइफ जिसने रिचर्ड से शादी की है, रिचर्ड डैलोवे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का एक पॉलिटिशियन है। क्लैरिसा रात को अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, एक पार्टी को होस्ट कर रही है। अब उसी पार्टी वाली दोपहर ये क्लैरिसा फ्लावर लेने आई है पार्टी के लिए। इस महिला क्लैरिसा डैलोवे का बचपन बॉटन नाम की एक जगह पर गुजरा है और अभी फिलहाल ये महिला लगभग 50 साल की है। अब जब ये क्लैरिसा फ्लावर्स लेकर के घर को लौटती है तो अपने एक बॉटन के पुराने दोस्त पीटर वॉल्स से मिलती है, जो काफी समय से इंडिया में रह रहा था। पीटर एक समय पर क्लैरिसा से बहुत पैशनेटली प्रेम करता था, बहुत पसंद करता था क्लैरिसा को, लेकिन क्लैरिसा ने उसके इस शादी करने के प्रपोजल को ठुकरा दिया। सालों पहले की बात हो रही है ये। तो क्लैरिसा और पीटर एक दूसरे से क्लोज तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से काफी क्रिटिकल भी रहे हैं, ठीक है। तो तभी वहां पर क्लैरिसा की बेटी एलिजाबेथ आ जाती है, तो पीटर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में जो सालों पहले क्लैरिसा ने इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था वही चल रहा था, तो ये रिजेंट्स पार्क नाम की एक जगह पर चला जाता है। अब दोस्तों इसी कहानी में एक और कहानी चल रही है। अब इस कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होता है सेप्टिमस वॉरन स्मिथ नाम के एक बंदे पर, जो कि एक फौजी था, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पुराना सिपाही था। ये फौजी सेप्टिमस शेल शॉक से सफर कर रहा है। सफर नहीं, सफर अंग्रेजी वाला सफर, SUFFER। शेल शॉक बोले तो एक टाइप का साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस। तो ये फौजी एक टाइप के साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस से सफर कर रहा है। तो ये अपनी इटालियन वाइफ, ये नाम है इसकी इटालियन वाइफ का, तो ये अपनी वाइफ के साथ में, इटालियन वाइफ के साथ में रिजेंट पार्क में वेट करता है। किसका वेट कर रहा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस बंदे की हिस्ट्री बताता हूं। इस बंदे का जंग में एक दोस्त था इवांस, वो मर गया था, तो उसको लेकर के इस फौजी सेप्टिमस के मन में, इसके दिमाग में हेलुसिनेशन हो गया है। ये हेलुसिनेशन क्या होता है, मतलब उस टाइप की बीमारी जो लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को हो गई थी, मतलब हर जगह उनको गांधी जी दिखते थे ना, उसी टाइप का इसका अब बिहेवियर हो गया है। इसको इसका दोस्त इवांस हर जगह दिखता है। तभी मैं कह रहा था कि ये एक टाइप के साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से सफर कर रहा है, ठीक है। तो एक टाइम पे ये बंदा लिखता भी था, ये सेप्टिमस पोएम्स वगैरह लिखता था, लेकिन जब से वॉर हुई है ये एकदम सुन्न हो गया है और फील करना इसने छोड़ दिया है एकदम, और हमेशा सुसाइड करने की सोचता रहता है। इसकी इटालियन वाइफ इसको डॉक्टर होमस को दिखाने भी ले गई थी, लेकिन डॉक्टर होमस ने कहा कि कुछ नहीं है, बस इनके मन में कुछ डर बैठा हुआ है। उसी दोपहर ये दोनों हस्बैंड वाइफ सर विलियम ब्रैडशो से मिले, जो कि एक फेमस डॉक्टर हैं, और सर विलियम ब्रैडशो ने प्लान किया कि वो सेप्टिमस को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भेजेंगे। अब दोस्तों वापस चलते हैं हम लोग डैलोवेज की कहानी पर। अब ये जो क्लैरिसा डैलोवे है, इसका हस्बैंड रिचर्ड डैलोवे, मैंने आपको बताया था ये रिचर्ड डैलोवे एक पॉलिटिशियन है, तो ये रिचर्ड डैलोवे लेडी ब्रूटन नाम की एक महिला के साथ और एक ह्यूग नाम के बंदे के साथ बैठ करके लंच कर रहा है। लंच करने के बाद में रिचर्ड अपनी वाइफ क्लैरिसा के लिए फूल लेता है और प्लान करता है कि वो उसे आई लव यू कहेगा, लेकिन उसे देखते ही वो कुछ बोल नहीं पाता। अब क्लैरिसा इन दोनों हस्बैंड वाइफ रिचर्ड और खुद क्लैरिसा के बीच में जो फासला है उस बारे में सोच रही है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस क्लैरिसा की ये जो बेटी है एलिजाबेथ,
इसकी एक ट्यूटर है, यानी कि एक टीचर है, मिस किलमन, एक पुअर सी अनअट्रैक्टिव वुमन जिसे क्लैरिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और ये किलमन जो है ये भी क्लैरिसा को पसंद नहीं करती। ये दोनों ही एलिजाबेथ पर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं चाहती। अब दोस्तों हम उस फौजी सेप्टिमस की स्टोरी पर वापस चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये अपनी इटालियन वाइफ के साथ बैठ करके किसी का इंतजार कर रहा है, तो ये डॉक्टर होमस का वहां पर इंतजार कर रहे हैं। इसकी इटालियन वाइफ ने होमस से मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट ले रखी है। तो जब होमस वहां पर मिलने इनसे आते हैं, इन दोनों हस्बैंड वाइफ से, तो सेप्टिमस को लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है, डॉक्टर होमस एक मॉन्स्टर है और मुझे मारना चाहता है ये मॉन्स्टर। तो वो खुद को बचाने के लिए विंडो से, यानी कि बालकनी से कूद जाता है और मर जाता है। अब ये कहानी वापस जाती है क्लैरिसा की पार्टी में, जहां अपर क्लास के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था ये पार्टी होस्ट कर रही है, तो क्लैरिसा परफेक्टली पार्टी को होस्ट कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ क्लैरिसा को ये भी डर है कि कहीं मेरी पार्टी फेल नहीं हो जाए। अब इसी पार्टी में सैली नाम की क्लैरिसा की एक बचपन की फ्रेंड भी आ जाती है। सैली ने एक रिच आदमी से शादी की है और पीटर भाई साहब जो हैं वो भी इसी पार्टी में है। तब पार्टी में क्लैरिसा को सेप्टिमस की डेथ के बारे में पता चलता है। क्लैरिसा को बड़ा अफसोस होता है, वो अकेले में जाकर के सेप्टिमस के बारे में सोचती है। वहां पार्टी में उसके बचपन के दोस्त पीटर और सैली ये सोचते हैं कि क्लैरिसा कब आकर के उन्हें ज्वाइन करेगी। तभी फाइनली क्लैरिसा पार्टी में आकर के उन सबको ज्वाइन करती है और ये कहानी मिसेस डैलोवे यहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही बहुत है। मैं अगली वीडियो में इस पूरी कहानी का, मिसेस डैलोवे का पूरा एनालिसिस निकालूंगा, आपको समझाऊंगा कि वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें बताने की क्या कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।